राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, भारत के माननीय राष्ट्रपति पद हेतु एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को विराट और ऐतिहासिक विजय की हार्दिक बधाई। आपकी विजय नए भारत के सर्वसमावेशी व सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जन विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर है। भारत माता की जय। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, शोषित व अति पिछड़े आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में भारी मतों से आज निर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं ढेरों सारी शुभकामनाएं। वह एक कुशल व सफल राष्ट्रपति साबित होंगी, ऐसी देश की उम्मीद है। उन्होंने कहा, देश में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग की पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के नाते बसपा ने दलगल राजनीति से ऊपर उठकर उनको अपना समर्थन व वोट दिया। अब सरकार संविधान की सही मंशा के हिसाब से उनके उत्तरदायित्वों को निभाने में उन्हें सहयोग करें ताकि जन अपेक्षा पूरी हो व देश का मान सम्मान बढ़े। क्या आप भी किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप दवा करा करा कर थक चुके हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है? तो निराश होने की आपको कोई जरूरत नहीं। हर बीमारियों से छुटकारा पाएं, आज और अभी फोन उठाएं और वैद्य राम सागर चौहान जी का नंबर 9455149005 डायल करें और अपनी समस्या बताएं। घर बैठे दवा मंगवाएं, फायदा होने की फुल गारंटी। वैद्य राम सागर चौहान करीबन 30 सालों से लगातार आयुर्वेद की दुनिया में काम कर रहे हैं और अब तक कई लोग इनकी दवाई से ठीक हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हर बीमारियों से निजात पाएं।